शरीर में श्वास का होना किसी व्यक्ति के जीवित होने की अस्वस्थता नहीं है। यह कोई गारंटी नहीं है किसी व्यक्ति के शरीर में श्वास चल रही है तो वह जीवित है, क्योंकि मेरा व्यक्ति के जीवित होने से अभिप्राय है व्यक्ति के जीवन को सहज रूप से अनुभव करना, स्वीकार करना। क्या व्यक्ति अपने जीवन को सहज रूप से स्वीकार कर पा रहा है? क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है? क्या वह अपने जीवन को प्रतिक्षण अनुभव कर पा रहा है? यदि ऐसा व्यक्ति है, उपलब्ध है, तो मैं उसे कहूँगा कि वह व्यक्ति जीवित है। और यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अपने श्वासों को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि वह एक मृत शरीर है। और मैं अपने चारों ओर आज एक घना शमशान देखता हूँ जीवित व्यक्तियों का। कोई व्यक्ति अपने जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहा सहज रूप से। और यह इस बात से मैं इतनी कठोरता से यह बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि हर व्यक्ति कुछ बन जाना चाहता है, कुछ कह जाना चाहता है, वह संतुष्ट नहीं है जो वो है। यह ऐसा क्यों हो गया है? किसने हमसे यह कहा कि हम कुछ नहीं हैं और हमें कुछ हो जाना है? किसने हमसे कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ पाना है? किसने कहा कि हमें अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन अर्जन की आवश्यकता है? किसने कहा कि हमें अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने प्राणों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अस्पतालों की आवश्यकता है? यह जितना भी कहा गया है, जितने भी शब्द कहे गए हैं, सब विज्ञान के द्वारा कहा गया है। विज्ञान से अभिभूत हो, विज्ञान जो कि एक उद्योग की आवश्यकता थी और उद्योग की आवश्यकता के लिए जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था निर्मित की गई थी, उस पर उस शिक्षा व्यवस्था ने हमें अपने जीवन में जीवन के संसाधनों से भर दिया है, परंतु हम जीवन से कहीं ना कहीं विमुख हो गए हैं। व्यक्ति जीवन के उन संसाधनों को जीवन के से अधिक आवश्यक समझने लगा है। और यही कारण है कि जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही वह असंतुष्ट होता है। जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही और पाने की उसके अंदर इच्छा प्रबल होती है। और व्यक्ति बहुत चालाक है, वह इन अपनी इस लोभ को, अपनी इस वासना को तरह तरह के नाम देता है। कहीं वह समाज की सेवा कहता है, कहीं वह धर्म का अनुसरण कहता है, कहीं वह अपनी आंतरिक इच्छा कहता है, अनेक शब्दों का प्रयोग करके जीवन के उद्देश्य कहता है, अनेक शब्दों का प्रयोग करके अपने आप की, अपने लोभ को, अपने मोह को, अपनी वासना को कहीं ना कहीं पर वह एक सही रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो क्या मेरा कहने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मेरा अभिप्राय है किसी व्यक्ति को कुछ होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? क्या मेरा अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना चाहिए और सब कुछ उसे उपलब्ध है यह मानकर बैठ जाना चाहिए? मेरा कहने का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं। मेरी जो चोट है, मेरी जो बात है, वह इस बात के लिए है कि व्यक्ति की मानसिकता, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचता है, किस तरह हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, क्या शिक्षा हम उन्हें दे रहे हैं और क्यों शिक्षित हम कर रहे हैं। शिक्षा से अधिक आवश्यक है कि क्यों हम शिक्षित हो रहे हैं, इस बात को जानना। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे कहूंगा। दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्तियों में शारीरिक रूप से कोई अंतर नहीं है। दोनों पुरुष हैं, दोनों की आयु समान है, दोनों की जो दोनों में जो अंतर है एकमात्र, वह यह है कि एक व्यक्ति को के अंदर स्वाद को अनुभव करने की क्षमता है और दूसरे व्यक्ति के अंदर स्वाद को अनुभव करने की क्षमता नहीं है। अब उन दोनों व्यक्तियों को मैं आम दूंगा, आम जो कि समान रूप से मीठा है। अब ये दोनों व्यक्ति उस आम को चखते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। पहला व्यक्ति यह कह पाता है कि आम मीठा है, दूसरा व्यक्ति यह कह पाता है कि वह आम मीठा, वो कुछ भी नहीं कह पाता, वो नहीं बता पाता कि आम का स्वाद कैसा है। अब मैं यह पूछता हूँ कि अगर आम की मिठास केवल आम में होती और केवल आम के मीठे होने से अगर आप मिठास को अनुभव करने का
के लिए समर्थ होते तो दोनों व्यक्तियों को आम की मिठास का अनुभव करना चाहिए था, परंतु आपके भीतर जब तक मिठास का अनुभव करने की क्षमता ना हो, जब तक आपके भीतर स्वयं मिठास ना हो, आप उसे उस मिठास का अनुभव नहीं कर सकते। अब इसी बात को आधार मान के मैं अपनी आगे की बात कहूँगा कि जो भी गुण, जो भी क्षमता हमारे भीतर नहीं, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जो भी चीज़ हम पहले से नहीं जानते, उसे हम जान नहीं सकते। और यही एक मुख्य अंतर है मेरी बात और आज की आधुनिक शिक्षा का। अगर आप ये माने, आप जो भी पाने की इच्छा कर रहे हैं, आप जो भी होने की इच्छा कर रहे हैं, आप जो भी करने की इच्छा कर रहे हैं, वह सब भीतर आपके मौजूद है, सिर्फ आपको उसे प्रस्फुटित करना है, सिर्फ आपको उसे प्रकाशित करना है, सिर्फ आपको उसे अनुभव करना है, तब आपकी ये मानसिकता आपको दरिद्र नहीं बनाएगी। और दरिद्र, जो व्यक्ति खुद को दरिद्र महसूस नहीं करता, उसे वह कोई दासता, कोई गुलामी के अंदर जकड़ नहीं सकता। और जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो किसी दासता और गुलामी से आरोपित नहीं है, वह व्यक्ति सदैव अपनी आत्मा की खोज के लिए समर्थ होगा, उस मार्ग की ओर प्रशस्त होगा। और आत्मा की खोज, आत्मा का अनुभव, स्व का अनुभव ही व्यक्ति को अंततः संतुष्ट करने वाला है। यह हजारों वर्षों से कही गई बात है और हमने इसे देखा है। परंतु आज की शिक्षा व्यवस्था ने क्या किया है? आज की शिक्षा व्यवस्था ने मनुष्य को पूर्णतः दरिद्रता से आच्छादित कर दिया है। हम बचपन से बच्चों को यह कह रहे हैं कि तुम यह सीखो बिकॉज तुम यह जानते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें यह मालूम नहीं है। तुम्हें सीख रहे हैं क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, क्योंकि तुम सीखोगे नहीं, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो तुम अपने जीवन का यापन कैसे करोगे? शिक्षा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए। अगर व्यक्ति जीवित रह सकता था, कि मात्र शिक्षा से, तो आज किसी व्यक्ति को मरना ही नहीं था। व्यक्ति प्रयास कर रहा है विज्ञान के शरीर को जिंदा रखने की, परंतु क्या उस शरीर में उस प्राणों को अनुभव करने की क्षमता वह विज्ञान में विज्ञान डाल सकता है? वह नहीं डाल सकता है। विज्ञान ऐसे यंत्र बना रहा है, ऐसे रोबोट बना रहा है जो मनुष्य के समान भावों को समझ सकें, परंतु यह जीवन के अनुभव का बहुत ही ऊपरी तल है। व्यक्ति व्यक्ति नहीं निर्मित कर सकता। व्यक्ति व्यक्ति का अंश तो निर्मित कर सकता है, व्यक्ति व्यक्ति नहीं निर्मित कर सकता। व्यक्ति स्वयं को निर्मित होकर स्वयं को अनुभव कर सकता है। तो इस बात के माध्यम से मैं आपके सामने मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले अदर जीवन को जीवित रूप से अनुभव करना चाहते हैं। यदि हम सबसे पहले जीवन को जानना चाहते हैं, जीवन से संतुष्ट होना चाहते हैं, जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी एक मानसिकता को बदलना होगा कि हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, इसके लिए हमें होना नहीं। हमें अपने आप को एक बीज स्वरूप में देखना पड़ेगा, जिस बीज के अंदर पहले से वृक्ष मौजूद है। उस वृक्ष को हम श्रम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने वृक्ष को बड़ा आकार देना चाहते हैं, हम उस वृक्ष की वृहत्ता को अनुभव करना चाहते हैं, अपने प्राकृतिक स्वरूप में आना चाहते हैं, ना कि हमें जीवित रहने के लिए, एक समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, हमें चार लोगों के सामने अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए हमें शिक्षित होना है, हमें कुछ जानना है, कुछ चार शब्द सीखने हैं, कुछ यंत्रों को इकट्ठा करना है और अपने आप को दूसरों से बेहतर करना है। यह मानसिकता जो शुरू हुई थी कि मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे कुछ जानना है क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये व्यक्ति को हमेशा और सदैव दरिद्र बनाए रखेगी। व्यक्ति कुछ भी की ग्रहण कर ले, कुछ भी अर्जित कर ले, वह अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि विश्व में जिन लोगों ने जितना अधिक अर्जित किया है विज्ञान के माध्यम से, वह उतने ही अधिक असंतुष्ट हैं। इच्छा असंतुष्टता से पैदा होती है और इच्छा कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। इच्छाएं
इच्छाओं का बीज ही बो सकती हैं और संतुष्टता के वृक्ष आरोपित नहीं कर सकती। तो आप सबसे मेरा यही आज ये कहना है कि आप स्वयं से यह प्रश्न करें कि क्या जिन चीज़ों को आप आवश्यक मानते हैं, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं और जो आपको जिनकी वजह से आपका जीवन अपूर्ण है, आप जीवन से असंतुष्ट हैं, क्या उन चीज़ों के हो जाने से आप सच में संतुष्ट हो जाएंगे? क्या उन चीज़ों के हो जाने से कोई और संतुष्ट हुआ है, या उन जीवन की सही अवस्था को प्राप्त करके, जीवन के सही अनुभव में उतर के, अपने जीवन को सही रूप में ढाल से, अपने जीवन की मानसिकता को सही करके, यदि आप अपने जीवन में कुछ भी अर्जित करेंगे वह आपको परिपूर्ण कर देगा। अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, आपके चिंतन के लिए एक मैं बीज देना चाहूँगा। आप जब बच्चे थे, आपने जब जन्म लिया था, आपका जो आप जब अपने वास्तविक स्वरूप में था, आपकी बुद्धि जगत से इस तरह आरोपित नहीं हो गई थी, तब कैसे आपको हर एक छोटी चीज़ आनंद का अनुभव देती थी, हर एक छोटी चीज़ आपको आप खुशी का अनुभव देती थी। आप भोजन का आनंद लेने में उत्साहित थे, आप फलों का आनंद लेने में उत्साहित थे, आप प्रकृति का, पानी का, सब चीज़ों का आनंद लेने में कितने उत्साहित थे। आज आपका आनंद आपसे विलुप्त हो गया है। क्यों? मस्तिष्क के निर्माण से। आपके मस्तिष्क में ये बात हजारों वर्षों से भर दी गई है कि आप दरिद्र हैं, आप दरिद्र हैं, आपको कुछ कर रहे हैं बिकॉज आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपको कुछ पाना है क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। और ये कुछ है नहीं का भाव इतना गहन हो चुका है कि आप स्वयं का होना ही भूल गए। तो मैं अपने इस शब्दों के माध्यम से, अपनी इस बात के माध्यम से आपके सामने यह प्रयास कर रहा हूँ, एक बात साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को जानने का प्रयास करें स्वयं से, और अपने आप को जानें कि आप कैसे बीज हैं, कौन सा पेड़ आपके भीतर मौजूद है। आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आप अपने भीतर एक विराट बरगद का वृक्ष छुपाए बैठे हैं। आपको जीवन में जो भी करना है, अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं अनुभव करने के लिए, और आपके वास्तविक स्वरूप को, आपके जीवन को सिर्फ आप अनुभव कर रहे हैं, कोई दूसरा उसे अनुभव करने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा उसे अनुभव करके, उसे देखकर आपको आपको कुछ शब्दों से आपकी की या तो कोई आपके अंदर कोई अच्छी बात आपसे कहता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी अनुशंसा करता है, इससे आपके जीवन का अनुभव बाधित नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने जीवन के का प्रश्न, अपने जीवन की आवश्यकता के बारे में स्वयं से पूछें, अपनी की वास्तविक आवश्यकता को जानें, आपके जीवन के अनुभव की ओर आपका विकास हो, आप अपने जीवन में संतुष्टता और शांति को की ओर उपलब्ध हों, इसी आशा के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।